हेलो एवरीवन, मैं हूं अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको ये फ्रंट स्लिट कुर्ती सिलना सिखाऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसकी मेजरमेंट और कटिंग, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखिए ये फ्रंट पार्ट को पूरा करना है। तो फ्रंट में हमने जो ये 1.5 इंच का लाइन खींचा था, सबसे पहले हम इसे सिल लेंगे क्योंकि फ्रंट साइड हमने बीच में से काटा हुआ है क्योंकि स्लिट है इसमें। तो हम इसमें सिलाई देंगे, तो हम इसमें उतनी ही सिलाई देंगे जितना कि हमें ओपनिंग चाहिए। सबसे पहले आप डिसाइड कर लीजिए आपको नीचे से कितना स्लिट चाहिए, कितना लंबा या छोटा, और बाकी के ऊपर के हिस्से को आप फिर सिल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 इंच पे निशान लगा रही हूँ और 30 इंच तक मैं इसको सिलूँगी और बाकी का जो नीचे का भाग है उसे मैं खुला छोड़ दूँगी ओपन स्लिट के लिए। तो ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है आप कितना बड़ा स्लिट चाहते हैं। अब हम यहाँ पे सिलाई देंगे इस निशान तक। तो ये देखिए हम ऊपर से शुरू कर रहे हैं। और ये निशान तक मैंने यहाँ पे सिलाई को एंड कर दिया है। यहाँ हमारी सिलाई लग चुकी है और सीधी तरफ से ये कुछ इस तरह लगेगी। ये देखिए सिलाई। और अब हम ये जो स्टिच वाला भाग है इसको हम एक तरफ मोड़ेंगे कपड़े को। मैंने इसको राइट साइड इस तरह मोड़ दिया है और हम सीधी तरफ से टॉप स्टिच देंगे। टॉप स्टिच देने से हमारी जो स्टिच है फ्रंट साइड से वो काफ़ी क्लीन लगेगी और अच्छा फिनिश आएगा। अब हम दोनों साइड्स के नेकलाइन पूरा कर लेंगे, फ्रंट साइड और बैक साइड। तो यहाँ मैं बैक साइड का नेकलाइन बना रही हूँ। फ्रंट साइड के नेकलाइन में मैंने बॉर्डर डाला है और उसका मैंने एक अलग से वीडियो किया है, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल नेकलाइन भी बना सकते हैं फ्रंट साइड के लिए, उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो अपना फ्रंट साइड का नेकलाइन पूरा कर लें रेगुलर वे में और इस तरह अपना बैक साइड का भी नेकलाइन पूरा कर लें जितना भी आपको डेप्थ चाहिए रेगुलर तरीके से। तो बैक साइड का नेकलाइन किस तरह बनाते हैं मैंने इसका भी एक डिटेल वीडियो बना रखा है, आप उसे चेक कर सकते हैं, बहुत ही इजीली आपके नेकलाइन तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं बैक नेक बना रही हूँ। ये देखिए हमारी बैक नेक तैयार है और यहाँ हमारी फ्रंट नेक भी तैयार है। अब दोनों के सीधे भाग को मिलाते हुए हम शोल्डर जोड़ देंगे इस तरह, आधे इंच का गैप देंगे ऊपर से। ये देखिए इस तरह निशान लगा लें चौक से और फिर इसे सिलाई दे दें। यहाँ हमारे शोल्डर जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारी नेक लाइन तैयार है और ये आगे का स्टिच है ये भी तैयार है। अब हम इसके जो स्लिट हैं इसे पूरा करेंगे। तो ये जो खुला वाला भाग है सबसे पहले हम इसे पूरा कर लेते हैं स्लिट को। तो इसे हम पहले उल्टी साइड से फोल्ड देंगे। तो आप देख सकते हैं ये नीचे का खुला वाला भाग है और यहाँ पे मार्किंग के टाइम पे हमने ये जो 1.5 इंच का लाइन खींचा था बिल्कुल उतना ही हमको फोल्ड देना है। ये देखिए इस तरह यहाँ फोल्ड देंगे हम और इसी तरह दूसरी तरफ भी 1.5 इंच का लाइन खींचेंगे, गैप देंगे और उतना ही फोल्ड देंगे। ये इस तरह आप ये देखिए डबल फोल्ड दे दीजिए। ये हमारा फोल्ड लग चुका है, मैंने इसे पिन भी कर दिया है। अब हम यहाँ स्टिच देंगे बिल्कुल चाक की तरह, जिस तरह हम अपना चाक पूरा करते हैं बिल्कुल उसी तरह। ये देखिए हमने एक तरफ से स्टिच शुरू की, जहाँ पर हमारी स्लिट शुरू हो रही है वहाँ तक हमने सिलाई को ले गए हैं, आधा इंच ऊपर जाके दूसरी तरफ टर्न किया है और अब टर्न करके दूसरी साइड को हमने सिल लिया है। तो जिस तरह आप चाक सिलते हैं बिल्कुल उसी तरह आपको फॉलो करना है। ये देखिए हमारी स्टिच लग चुकी है और सीधी तरफ से हमारा स्लिट कुछ इस तरह लगेगा। अब हम बाजू जोड़ रहे हैं कुर्ती के साथ। तो अपने जो स्लीव्स हैं उन्हें आप अपने कुर्ती से मिलाते हुए अच्छे से जोड़ लें दोनों स्लीव्स को। ये देखिए हमारे स्लीव्स जुड़ चुके हैं, ये है शोल्डर वाला भाग
और अब हम ये नीचे का साइड इसे पूरा करेंगे। इसे भी डबल फोल्ड दें 1.5 इंच की लाइन खींच के और यहाँ पे स्टिच दे दीजिए। तो यहाँ 1.5 इंच की लाइन खींच के मैंने 2 फोल्ड दिए हैं और स्टिच मार दी है। तो दोनों बाजू इस तरह पूरा कर लें। ये देखिए हमारे बाजू लग चुके हैं और अब हम इनकी फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 6.5 इंच का मार्किंग की है बाजुओं के लिए। तो आपका जितना भी बाजुओं का राउंड मेजरमेंट है, ये देखिए इस तरह अपना बाजू का निकालिए। देखिए मेरा है 11 इंच, तो 11 का आधा हो जाता है 5.5। मैंने इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है क्योंकि मैं थोड़ा ढीला पहनती हूँ। आप अपने हिसाब से लें और यहाँ पे निशान लगा दें। अब इस बाजुओं के निशान को हम चेस्ट पॉइंट से मिलाएंगे और फिर हम इसे कमर के निशान से मिलाएंगे। तो ये जो मार्किंग थी, ये हमने मार्किंग के टाइम पे दी थी। तो ये देखिए, ये है चेस्ट पॉइंट, इसे हमने बाजू के फिटिंग के निशान से मिलाना है। तो हम पहले अपनी सिलाई बाजू से शुरू करेंगे, फिर चेस्ट पे जाएंगे, फिर वेस्ट पे और फिर हम हिप्स पे ख़त्म करेंगे। तो ये देखिए हमने अपनी सिलाई शुरू की है बाजुओं के मेजरमेंट से, फिर हम चेस्ट पे पहुँचे हैं, अब हम वेस्ट पे पहुँचे हैं और हम हिप्स पे जाके अपनी सिलाई को एंड करेंगे। तो ये चीज़ मैं पहले भी अपनी हर कुर्ती के स्टिचिंग में बताती हूँ, बहुत ही इजी है। दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह फिटिंग दी है। ये देखिए हिप्स पे हम जाके इसको ख़त्म करेंगे। यहाँ हमारी फिटिंग्स हो चुकी हैं, अब हम चाक बनाएंगे। तो चाक बनाने के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छा डिटेल्ड वीडियो बनाया है, आप प्लीज़ उसे चेक कर लें। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बहुत ही इजीली और बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा किस तरह आप चाक बना सकते हैं। यहाँ हमारे चाक कंप्लीट हो गए हैं। ये देखिए दोनों तरफ से हमने अपने चाक सिल लिए हैं। ये है स्लिट वाला हिस्सा। अब हम नीचे के भाग को बंद करेंगे। तो नीचे के भाग में हम 1.5 इंच का गैप देंगे और डबल फोल्ड करके सिलाई देंगे। और आगे के भी ये जो फ्रंट के 2 हिस्से हैं, इन्हें भी हम 1.5 इंच में फोल्ड करके सिलाई देंगे इस तरह। ये देखिए हमारी कुर्ती तैयार है। हमने नीचे की तरफ सिलाई दे दी है और इस तरह हमारा स्लिट लग रहा है। हमने साइड के चाक भी बना दिए हैं और हमारी फ्रंट स्लिट कुर्ती तैयार है। नीचे की तरफ आप कुछ लेस लगा के इसे और खूबसूरत बना सकते हैं। मैं यहाँ आगे की तरफ ये कुछ डेकोरेटिव बटन्स हैं, इन्हें लगाऊंगी और ये देखिए ये इस तरह लुक देंगे। इन्हें आप डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से लगा सकते हैं और डिफरेंट तरीके के बटन्स इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह हमारी फ्रंट स्लिट कुर्ती बनके तैयार है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।